मैं तो इस संसार से तंग आ गई हूँ नरिसा। क्यों राजकुमारी, ना मैं पसंद का व्यक्ति चुन सकती और ना ही नापसंद व्यक्ति से इनकार कर। राजकुमारी, आपके पिता ने मृत्यु के समय एक शर्त रखी थी, सोनी चांदी और रागों के किसी एक संदूक में से जो आपके चित्र को निकालेगा वही आपको है। एक एक करके राजकुमारों के नाम दोहरा दी। चलो, सबसे पहले तो नेपल्स की राजकुमारी, और वो है टैलेंट एंकर काउ। आओ, मुझे नहीं चुनेगी तो जामर। और आपका उस फ्रेंच लॉर्ड मुसिली बॉन के विषय में क्या विचार है? उसे भी ईश्वर ने देवरी चढ़ाए रखने में तो पहले टाइम का काउंट भी इसके सामने कुछ नहीं है। राजकुमारी, आपका उस तरुण अंग्रेज बैरन फॉल्कन ब्रिज के बारे में क्या राय है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझते। है वो बड़ा सुंदर, लेकिन कैसे स्वीकार कर लूं उसे? हम एक दूसरे को अपने भाव ही नहीं बता सकेंगे। और वो जो स्कॉटलैंड है ना, अंग्रेज बैरन का पड़ोसी, उसकी उसने अपनी कनपटी पे एक अंग्रेज के हाथ का घूसा उधार लिया था और उसने कसम खाई है जब भी कभी समर्थ होगा उसका कर्जा अवश्य चुका देगा। आपका सक्सेनी के ड्यूक के पति जी तरुण जर्मन के बारे में क्या सोचती हूँ? कुछ भी हो, मैं उस जबरदस्त पेपर से शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी, आपके डरने का कोई कारण नहीं कि इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। राजकुमारी, आपको उस तरुण वेनिसवासी की याद है जो आपके पिता के समय मैक्यूज के साथ आया करता था? बस वही आपके योग्य था। मुझे उसकी खूब याद है। राजकुमारी की जय। राजकुमारी, चार अजनबी आपसे मिलना चाहते हैं और वे जाने से पहले आपसे मिल जाना चाहते हैं। एक और व्यक्ति आया जिसने ये खबर दी है कि उसके स्वामी मोरक्को के राजकुमार आज रात ही आएंगे। एक प्रेमी के लिए द्वार बंद करते हैं तभी दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। चलो।